स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन, क्लास सॉरी एट। इससे पहले प्रीवियस क्लास में लेसन फर्स्ट में हम लोग संविधान के बारे में पढ़े थे कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान क्यों बनाया जाता है। तो फिर एक बार रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं कि प्रत्येक देश का अपना कुछ बुनियादी कायदे कानून होते हैं जिसका पालन करना उस देश के नागरिक और वहाँ की सरकार दोनों को करना पड़ता है। ऐसे ही बुनियादी कायदे कानून के सम्मिलित रूप को संविधान कहा जाता है। अपने भी हम लोग जिस देश में रहते हैं वो एक लोकतांत्रिक देश है, इसका भी एक संविधान है जिसका पालन हम सभी को भी करना पड़ता है और अपने देश के शासन के चलाने वाले जो संचालक हैं या जो एक कहें प्रतिनिधि हैं या कहें कि अधिकारी हैं, वो उसको भी इसका पालन करना पड़ता है। अगर संविधान कानून का पालन कोई नहीं करता है तो उसके विपक्ष में उस संविधान उस कानून के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई भी की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताए थे कि एक स्कूल का भी क्या होता है, अपना एक कायदे कानून होता है। उस कायदे कानून के अनुसार उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर और साथ ही साथ उस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी को छुट्टी लेना पड़ता है तो वो छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। अगर बिना परमिशन का या बिना जो है कि इजाज़त का वो स्कूल नहीं आ पाता है या स्कूल आ भी जाता है तो सही तरीके से जो होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो चीज़ याद करने के लिए दिया जाता है वो याद करके नहीं आ पाता है, तो फिर क्या होता है कि उसके विपक्ष में उसके ही बदले में उसे दंडित किया जाता है, उसे पनिशमेंट किया जाता है। किसी को छुट्टी लेना पड़ता है तो वो क्या करता है, एप्लीकेशन लिखता है। विदाउट एप्लीकेशन का अगर वो अब्सेंट हो जाए तो दूसरी उससे काउज पूछा जाता है कि आप किस वजह से स्कूल नहीं आए थे, फिर उस काउज का जो है कि वो उसे जो है कि क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि किस वजह से नहीं आए थे। उसी तरह से खेल के मैदान में भी अपना एक कायदे कानून होते हैं, रूल रेगुलेशन होता है जिसका फॉलो करना होता है। फॉलो कराने वाले जो होते हैं वो रेफरी एम्पायर कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो कहा जाता है कि ये तो हुआ संविधान, लेकिन संविधान को किसी ने कोई ना कोई तो बनाया होगा, किसी ने किसी के द्वारा जो है कि वो निर्माण किया गया होगा। निर्माण करने में बहुत सारे जो है कि मुसीबतें, बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ी होगी, बहुत सारे रुपये भी खर्च हुआ होगा, बहुत समय भी लगा होगा और बहुत सारे विद्वान जो है कि अपना क्या कहते हैं कि समय और वक्त भी उसमें जो है कि लगाए होंगे। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमने अपना संविधान का निर्माण कैसे किया। संविधान तो समझ गए कि देश का बुनियादी कायदे कानून के सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं जिसका फॉलो करना वहाँ के नागरिक और गवर्नमेंट दोनों को होता है। अब है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि संविधान, भारतीय संविधान को एक मिश्रित संविधान कहा जाता है, इसलिए कि इसमें अनेकों देश के संविधान से ली गई बातों को इसमें जोड़ा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें नागरिकता जो है कि प्राप्त है, ये जो है कि इंग्लैंड के संविधान से जो है कि लिया गया। उसी तरह से जो है हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस तरह से जितने भी सारी बातें जो है कि भारतीय संविधान में लिखा गया है वो किसी न किसी देश से जो है कि लिया गया। जितनी बातें हैं उसमें से लगभग जो है कि
70% जो बातें लिखी गई वो 1935 में जो संविधान सभा को गठित करने का जो प्रस्ताव को रखा गया था, जो जिस बात पर चर्चा की गई थी वो है। बाकी 30% है वो अन्य देशों के संविधान से जो है कि इसमें मिलाया गया। तो आखिर संविधान के निर्माण करने वाले होते कौन हैं? कहा जाता है कि संविधान के निर्माण करने वाले निर्वाचित सदस्य के सभा होते हैं। उस निर्वाचित सदस्य के सभा को ही संविधान सभा कहा जाता है। यानी निर्वाचित सदस्यों के एक ऐसे समूह जो संविधान बनाने का काम करता है उसे संविधान सभा कहा जाता है। जैसे भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम 8 सदस्यों के द्वारा जो है कि मोतीलाल नेहरू ने एक जो है कि संविधान बनाने की बात रखी थी। इससे पहले हम लोग जाने और हम लोग जानते भी हैं कि 1947 ईस्वी से पहले भारत में औपनिवेशिक जो है कि राजतंत्र था, यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसके बनाए हुए कानून और तरीके पर ही हम लोगों को चलना पड़ता था। भारत का कोई संविधान नहीं था, भारतीय लोगों का अपना कोई जो है कि पर्सनल कोई लॉ नहीं था। जिस हिसाब से जो है कि कंपनी सरकार हमें चलने का आता था, मजबूरन जो है कि हमें चलना पड़ता था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो 1600 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक भारत के शासनिक व्यवस्था पर उसका कब्जा रहा। उसके बाद 1857 ईस्वी में भारत के सभी वर्ग के लोग जो आपस में मिल करके उसका विरोध किया, क्योंकि उनकी शासन प्रणाली जो था उससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। इसलिए 1857 ईस्वी में सभी वर्ग के लोग आपस में मिल करके इस कंपनी शासन का विरोध करने के लिए आगे बढ़ा, जिसके कारण अब कंपनी सरकार ये सोचा कि यहाँ पर हम हुकूमत नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं चला पाएंगे, जिसके वजह से जो है वो यहाँ की सत्ता को ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया। तब यानी 1858 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक भारत पर वो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत रही। ब्रिटिश सरकार यहाँ के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा यहाँ के शासन को चलवाया करता था। फिर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके द्वारा सर्वप्रथम भारत के अंदर भारतीय लोगों के लिए एक संविधान निर्माण करने की बात रखी गई, जिसमें से भारतीय 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान खुद बनाने की मांग रखी। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक जो है कि एक संगठन इस बात को रखी कि हमें जो है अपना संविधान खुद बनाना है, और उसमें से कुछ बातों को जो है कि प्रस्ताव के रूप में रखा। फिर बाद में 1931 ईस्वी में कराची के अंदर में इसी संविधान के सिलसिले में जो है कि एक बातें एक रखी गई, एक प्रस्ताव के तौर पर जो है कि एक मीटिंग रखी गई, जिसमें से दोनों प्रस्ताव में ये बात निहित थी कि भारत के अंदर जो है कि एक संविधान बनाया जाए जिसमें से औपनिवेशिक राज्य वेश का मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय प्रणाली की सरकार, अल्पसंख्यकों की रक्षा की जैसी बातें जो है की जाए।
इन बातों पर जो है कि चर्चा की गई और फिर अंततः 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। फिर ये सिलसिला जो है कि आगे चलते रहा। उसके बाद जुलाई 1946 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है कि संविधान बनाने के लिए पहली बैठक रखी गई। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन पूरा हो गया, जिसमें से अस्थायी तौर पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। इस तरह से 1946 ईस्वी में, दिसंबर 1946 ईस्वी में जब पहली बैठक हुई, उसके कुछ दिन के बाद इस बैठक का, इस मीटिंग का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया। मुस्लिम लीग का ये मांग था कि हमें एक अलग देश के साथ साथ एक अलग संविधान भी चाहिए, जिसके वजह से जो भारत के अंदर में संविधान निर्माण करने के लिए जो सभाएं चल रही थी, जो एक गुट था वो गुट दो गुटों में बट गया। एक पाकिस्तान संविधान सभा की मांग करने लगा और दूसरा हिंदुस्तान संविधान सभा की मांग, जिसके वजह से जितने भी सदस्य थे वो सदस्य दो टुकड़ों में बट गए, दो भागों में बट गए। उसके बाद 299 भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ये कार्य को आगे जो है कि रखा गया, आगे बढ़ाता गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। उसके बाद नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान सभा की प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। जिस वक्त ये संविधान सभा बनकर के तैयार हुआ था, उस वक्त जो है 295, उस वक्त जो है कि हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये संविधान सभा को पूर्णतः पूरे भारत के अंदर में लागू कर दिया गया। यही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब इसे लागू किया गया था, इसी की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते भी आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि हमने अपना भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया। प्रश्न में लिखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण का संक्षेप में वर्णन करें। ये आपके जो लेसन है, लेसन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण का संक्षेप में वर्णन करें। उसका आंसर में लिखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुस्लिम लीग के द्वारा इस बैठक का विरोध किया गया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप देश दो हिस्सों में बट गया। अंततः भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्यों द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के एक लंबे संघर्ष
के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 25 भाग 448 अनुसूचियां और 448 अनुसूचियां सॉरी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसी के याद में हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन में आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखें, क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है और अन्य जगह में भी दिया हुआ होगा। आप इसका आंसर लिख करके इसको याद भी कर लीजिएगा, नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, यानी फिर होमवर्क में जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार रिपीट कर दिया जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखें, इसको लिख लेना है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसे कहते हैं? उसका आंसर होगा चुने गए प्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह जो संविधान बनाने का कार्य करता है, संविधान सभा कहलाता है। ये जो है कि आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना में निर्देशित मूल्य, यानी भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, या प्रस्तावना जब आप लिखिएगा तो उसमें से ये शब्द जो है कि आपको दिखने को मिलेगा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, ये सब शब्दों को जो है कि वहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उसमें से जो है कि लिखा गया है और जिस पर जो है कि कहा गया है कि भारत के सभी लोगों को जो है कि चलना है और उसको जो है कि मानना है। जैसे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है कि भारत के अंदर में जितने भी लोग हैं सब क्या हैं, स्वतंत्र हैं। 1947 ईस्वी में जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद भारत के अंदर में, भारतीय संविधान के अंदर में ये लिख दिया गया कि आप स्वतंत्र हैं, भारत के किसी भी हिस्से में जो है कि आप रह सकते हैं, किसी मजहब को जो है कि आप अपना सकते हैं, उस मजहब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। उसके बाद कहा गया कि समानता के अधिकार दी गई है, भारत के अंदर में बहुत सारे धर्म, जाति, मजहब के लोग जो है कि रहने वाले, मानने वाले हैं, सब क्या है, समान है, सब इक्वल है, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो जवान हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे जो भी हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हो, सब क्या है, समान है। ये समानता के अधिकार की बात की गई। उसके बाद है सामाजिक न्याय, एक समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं तो निम्न वर्ग के लोग भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं तो अमीर भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं तो मालिक भी रहते हैं, तो लेकिन सब क्या है, समाज में क्या है, समान है। इसलिए कहा गया है कि समाज के अंदर में अगर किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो फिर कानून के तरफ से जो है कि उस पर क्या होगा, दंडित किया जाएगा, उस पर जो है कि कानून के तहत जो है कि उस पर दंडित करने का काम किया जाएगा। आगे है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी धर्म के विरोध में, किसी भी धर्म के जो है कि किसी भी तरह का कोई पक्षपात ना होना चाहिए। चूँकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के मानने वाले
जानने वाले जो है कि बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं। इसलिए भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश कहा गया है। यहाँ पर अनेक जो है कि मजहब के मानने वाले, अनेक धर्म के मानने वाले, अनेक भाषा के बोलने वाले लोग रहने के बावजूद भी सब एक साथ मिलकर के रहते हैं, सब भारतीय कहलाते हैं। इसलिए भारत क्या है, एक धर्म निरपेक्ष जो कि राज्य है या धर्म निरपेक्ष देश है। इन सारी बातों को जो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में जो है कि लिखा गया है, कहा गया है। पहले ही कहा गया है कि हम भारत के लोग, ये नहीं कहा गया है कि हम भारत के हिंदू, हमारे के मुसलमान या सिख या ईसाई, बल्कि लोग कहा गया। इसका अर्थ यह होता है कि भारत के अंदर में रहने वाले सभी मजहब के लोग क्या है, बराबर हैं, समान हैं। यहाँ तक जो है कि कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी भारत के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे।